तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली तरीके से फेसबुक अकाउंट यानी फेसबुक आईडी डिलीट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी परमानेंटली। सो आप लोग कैसे इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन करना है, जिस भी अकाउंट को आपको डिलीट करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने अपना फेसबुक आईडी यहाँ पर ओपन कर रखा है, जो अकाउंट हमें डिलीट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर साइड में 3 लाइन दिखता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन अब आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या फिर आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन अब आपको फिर से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी ऑप्शन में सबसे ऊपर आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग यहां पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपको यहां पर आपके फेसबुक प्रोफाइल का नाम देखने को मिल जाएगा, एंड यहां पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहां पर आइडेंटिफिकेशन कन्फर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। बट उसके नीचे आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये अपडेट के कारण चेंज होते रहता है, आप लोग देख लीजिएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, सो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि हम इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, जो नीचे ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, तो आपको यही वाला ऑप्शन नीचे वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी 2 ऑप्शन आता है, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। सो अगर आपको अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि उस दिन के लिए अपने अकाउंट को बंद करके छोड़ दे, तो आप लोग डीएक्टिवेट वाला अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमेशा के लिए अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक न्यू इंटरफेस देखने को इस तरीके का मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर फेसबुक को जानकारी भी दे सकते हैं कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को फिलअप करने को बोला जाएगा। सो अपना यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना है। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर आप लोग अपने फेसबुक का पासवर्ड नहीं जानते हैं, तो कैसे आप लोग विदाउट पासवर्ड के अपने अकाउंट को डिलीट कर लेंगे। इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर, आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख कर अपने फेसबुक पासवर्ड को भी जान सकते हैं। अब वहाँ से आप लोग अपने पासवर्ड को जान लेंगे, उसके बाद आप लोग फिर से ये प्रोसेस करेंगे, एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड भी आप लोग फिलअप कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर दिया। पासवर्ड फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा अकाउंट यहाँ पर डिलीट होने के लास्ट प्रोसेस पे आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपने अकाउंट को 1 महीने तक यानी पूरे 30 दिन तक आपको लॉगिन नहीं करना है, वरना ये आपका अकाउंट जो है ये फिर से ओपन हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो आपको इस अकाउंट को 30 दिनों तक कोई भी इस पर एक्टिविटी नहीं देना है, कोई भी लॉगिन इस पर नहीं करना है, वरना आपका जो ये अकाउंट है ये फिर से ओपन हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर वेट करते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। बट लोग देख सकते हो कि हमारा अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो चुका है। एंड आपको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ से इसको रिमूव अकाउंट फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट कर देना है। अब आप लोग जो न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई भी न्यू फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप लोग ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। सो कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल वीडियो, आप लोग कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।